सीरियल गुम है किसी के प्यार में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाली है। वट सावित्री की पूजा, और वट सावित्री की पूजा के दौरान यहाँ पर पहुंचने वाली है भवानी, काकू, विराट, और होने वाला है उनका सामना अंबा से। एक ऐसी हरकत कर बैठेंगे यहाँ पर विराट और भवानी काकू जिसके बाद लड़ाई बढ़ जाएगी। क्या कुछ होने वाला है, चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि सत्या के घर में वट सावित्री की पूजा होगी, और ऐसे में बोला जाएगा सई को कि उसको बिना पानी पिए व्रत रखना है सत्या के लिए, सत्या की लंबी उम्र के लिए। और ऐसे में सई इमोशनल हो जाएगी क्योंकि सई ने ये व्रत पहले रखा था विराट के लिए, जिसके बाद सई व्रत तो रख लेगी और यहाँ पर वट सावित्री की पूजा के लिए जब जाएगी सई सत्या के साथ और अंबा के साथ, तो वहाँ पर भवानी काकू भी पहुँची होंगी, विराट भी होगा और चव्हाण परिवार भी होगा। ऐसे में सई को देखकर आंसू निकलने लगेंगे विराट की आंखों से, और यहाँ पर ये बोलेंगी भवानी जोर से कि कैसी बेशरम लड़की है, कभी किसी के लिए व्रत रखती है, कभी किसी के लिए, इसको तो मैं घर तोड़ने वाली औरत कहती हूँ, जिसने हमारे घर में ग्रहण लगा दिया, इतनी मनहूस है, जिस घर में जाएगी उस घर में ग्रहण ही लगाएगी। लेकिन जब ये बात सुनेगी अम्बा तो अपनी बहू को सपोर्ट करने के लिए आगे आएगी और भवानी को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी, ये कहती हुई नजर आएगी कि तुमने कभी इस लड़की की कदर ही नहीं की, इतनी कुर्बानियां इसने तुम लोगों के लिए दी है ना, अगर उसकी 10% भी इसने हमारे लिए दी होती तो हम इसको हाथों पर रखते, और अभी भी तुम्हारे घर की प्रॉब्लम्स में ये खिंची चली जाती है, शर्म करो, बोलते हुए कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना आपको। जिसके बाद सई देगी जवाब और कहेगी कि मैं इन लोगों को क्या ही बोलूं, और रही बात काकू आपकी, तो आपको तो हमेशा सामने वाले में ही दिक्कत नजर आती है, कभी भी आपने अपनी गलतियों को इम्प्रूव नहीं किया, बल्कि हमेशा गलती पर गलतियां ही करती चली गई। वेल दोस्तों, बड़ी बात बोल दी है यहाँ पर तो सई ने भी और अंबा ने भी, लगता है दोनों एक होकर भवानी काकू की बैंड बजाने वाली हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।